તમારે જોડે જોઈ વિસ્તારથી ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસે કારમાં મુસાફરોને બેસાડ્યા બાદ લૂંટી લેતી ટોળકીના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. ભરૂચ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકના ગત તારીખ 4ના રોજ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી ઇકો કારમાં એક વ્યક્તિને પેસેન્જર તરીકે બેસાડ્યા બાદ તેને ઢીક મૂકીને માર મારી ચાકુ બતાવી તેને લૂંટી લેવાની ફરિયાદ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી. આ ગુનામાં સી ડિવિઝન પોલીસે ઘનિષ્ઠ તપાસ કરી પેસેન્જરને લૂંટી લેનાર એવા કોસંબાના તલસાડી ખાતે રહેતા સુફિયાન વરાસિયા અને અવધેશ દુબેની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા એવા અન્ય કોસંબાના 4 સાગરીતોને પકડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. સી ડિવિઝન પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી લૂંટ કરાયેલ મોબાઈલ ફોન સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. તારીખ 4 જૂન 2021 કો રાત કે 10:30-11 કે આસપાસ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન કો હસમુખભાઈ નામ કે વ્યક્તિ દ્વારા એક સૂચના દી ગઈ કે નેશનલ હાઈવે 48 પર सूरत से वडोदरा जाने वाले रास्ते पर एक इको गाड़ी में उनको लिफ्ट दी गई. टोल नाका क्रॉस करने के पश्चात उनको इको गाड़ी में चाकू की धार पे चाकू दिखाकर उनसे 5,000 रुपये, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उनसे मिली सूचना के आधार पर गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार थे और उनको वडोदरा चौकड़ी के पास छोड़ दिया गया. इस प्रकार की गंभीर सूचना मिलने पर सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में तुरंत आईपीसी की धारा 392, 395, 397, 323, 504 और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया. चूंकि ये एक हाईवे की लूट थी, हाईवे की डकैती थी, इसलिए बहुत ही संगीन मामला था. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सी डिवीजन पुलिस स्टेशन की पूरी टीम इन आरोपियों की तलाश में जुट गई. इस तलाश की प्रक्रिया में माननीय गुजरात सरकार के महत्वाकांक्षी विश्वास प्रोजेक्ट वीडियो इंटीग्रेशन एंड एडवांस स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बहुत लाभदायक साबित हुए. सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो लीड मिली, उस लीड को फिर से माननीय गुजरात सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई गुजकॉप प्रोजेक्ट के पॉकेट कॉप का यूज करते हुए और ज्यादा उपयोगी इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई. उसके बाद इन इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए इन आरोपियों को सी डिवीजन पुलिस स्टेशन, इनमें से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन को. इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम है सुफियान वरासिया और इसके साथ जो दूसरा आरोपी अरेस्ट करने में हम सफल हुए हैं उसका नाम है अवधेश कुमार दुबे. इन दोनों आरोपियों की पूछपरछ में बाकी 4 आरोपियों का नाम भी सामने आया है. ये 4 आरोपी हैं मनोज, वसीम, महेश दुबे और राहुल. सभी आरोपी कौशंबा सूरत के निवासी हैं. बाकी 4 आरोपियों की तलाश में हमारी टीम लगातार सक्रिय है, लेकिन इन 2 आरोपियों को और इनके साथ क्राइम में यूज की गई इको गाड़ी, जब्त किया गया मोबाइल फोन तथा रोकड़ा पुनः प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं.